देश भर के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरने वाली चार पहिया वाहन पर फास्टैग लगाना 15 दिसंबर से अनिवार्य हो गया है। यह एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है जो नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर उपलब्ध है। यह तकनीक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इस टैग को वाहन के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है ताकि टोल प्लाजा पर मौजूद सेंसर इसे रीड कर सके। केंद्र सरकार ने इस तकनीक का इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रदूषण कम करने और लंबी लाइनों से निजात दिलाने के लिए कर रही है, लेकिन इसके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग कहां से मिलेगा और इसके लिए कितने खर्च करना होंगे और यह जानकारी लोगों को नहीं है। इसी के चलते कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन चालकों के फास्टैग लगे होने के बाद भी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बेटमा के मेथवाड़ा टोल टैक्स पर भी वाहन चालकों को कुछ ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग इसे भविष्य के लिए अच्छा भी बता रहे हैं। इस तरह फास्टैग का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। गुजरात के बड़ौदा से आए कंटेनर चालक ने बताया कि उसने कल ही बड़ौदा में फास्टैग लगवाया व रास्ते के दो टोल टैक्स पर इसी से भुगतान किया, लेकिन यहाँ बताते हैं कि यह वैध नहीं है। वहीं दूसरी समस्या बस कंडक्टर शर्मा जी ने बताई। हालांकि टोल मैनेजर ने फास्टैग को सुविधाजनक बताया। उन्होंने बताया कि कुछ समस्या आ सकती है लेकिन भविष्य में इसके बेहतर परिणाम होंगे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। क्या समस्या आ रही है आपको? ये समस्या आ रही है, फास्टैग में पैसे है, वो यूं कह रहे हैं पैसे नहीं है। कब डलवाया था ये फास्टैग? शाम को। बैलेंस है उसमें? कहाँ से डलवाया? कहाँ से डलवाया? बड़ौदा। बड़ौदा से? तो ये क्या बोल रहे हैं टोल टैक्स वाले? ये बोल रहे हैं कि बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है? हाँ। और यहाँ कब से खड़े हो? ये आधा घंटा हो गया मेरे को। आधा घंटा हो गया? हाँ, इधर उधर चलते चलते। अच्छा, इधर लगाओ उधर लगाओ, इधर लगाओ उधर लगाओ। हाँ, तो आप ये क्या बोल रहे हैं? वो नौकरी बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है? हाँ। और उसमें है बैलेंस तुम्हारे, इसमें फास्टैग में है कि नहीं है? अरे सेठ का कह रहा है कि शाम को डलवाया बैलेंस। बैलेंस कौन कह रहा है? मेरी बात कराओ, कौन कह रहा है बैलेंस नहीं है? कहाँ से आ रही गाड़ी ये? बड़ौदा से। बड़ौदा से इधर कहाँ जाएगी? इधर जाएगी जो ग्वालियर। ग्वालियर जाएगी? क्या नाम है आपका? गेंदालाल। फास्टैग तो अभी अच्छा चल रहा है सर, डिजिटल पेमेंट करने के लिए अपना राष्ट्रीय राजमार्ग पे अच्छा सुविधा दिया सर। अभी क्या अपना आसपास में जो है लोकल का है, लोकल का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। वो भी अपना जो लोकल पास है, जो 265 का पास मिलता है, वो भी फास्टैग में है सुविधा है। कम से कम अपन को 27 to 18 बैंक्स तक है वो फास्टैग अपन को देने की। फास्टैग तो अभी ऑल नेशनल हाईवे टोल्स जो है वो जो टोल्स पे अपन को अवेलेबल। फास्टैग का इतना समस्या नहीं है, लेकिन विदाउट जो फास्टैग रहता है, जो गाड़ी क्या लाइन में 10-15 मिनट ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है। और एक बात, जो विदाउट फास्टैग जो लाइन में घुसते हैं, मतलब जो फास्टैग लाइन में, जो फास्टैग नहीं है गाड़ी भी लाइन में जाते हैं ना, वो गाड़ी से क्या आपको 2 गुना टोल लेना पड़ता है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, और इसमें ये जो गाड़ियाँ निकलती, तो गाड़ियों से कोई परेशानी, गाड़ी वालों से कोई कभी कुछ परेशानी उनको, बस वालों मतलब से जो चलती? परेशानी मतलब एक ही चीज़ है कि उनकी जो फास्टैग नहीं है वो गाड़ी तो लाइन में क्यों करना पड़ता है, कोई परेशानी और कुछ नहीं है। जो फास्टैग इतना जल्दी ले सकते हो, इतना जल्दी ट्रांसपोर्टिंग हो जाता है। अच्छा, फास्टैग के लिए कोई विरोध वगैरह कुछ होता है गाड़ियों वालों का? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फास्टैग अच्छा सुविधा है अपना नेशनल हाईवे से, अपन को बहुत अच्छा सुविधा मिला है। उसमें अपन को क्या फ्यूल सेव हो जाता है, अपना टाइम भी सेव हो जाता है, और टोल पे अपन को पैसा देने की भी जरूरत भी नहीं रहता है, क्योंकि वो विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अपन को ट्रांजेक्शन होके गाड़ी तुरंत निकल जाता है। बहुत अच्छा सुविधा है नेशनल हाईवे से, आप सभी लोग अच्छे तरफ से यूज करके और नेशनल हाईवे को कोऑपरेट करना है। आपका नाम बता दी? मेरा नाम वीरा बाबू है, एक टोल का इंचार्ज हूँ। क्या परेशानी आपको? यात्री बस है, हम फास्टैग के लिए गए, कागज लेके गए इनके पास, वो कह रहे हैं हमारे पास टैग नहीं है उपलब्ध। 2 दिन बाद टैग आएंगे, कागज रख जाओ। आधी घंटा पैसेंजर लेट होता है, बीमार है, दुखी है, महिला है, बच्चे है, उसका क्या करेंगे हम? 610 रुपये देते हैं, टोल कटाते हैं, तो कह रहे नहीं साहब एक ही लाइन में आ गया, अरे 2 घंटे खड़े रहो। वो कर बदतमीजी करी इन लोगों ने यहाँ पे। कब की बात है ये? कल अभी भी खड़ा हूँ बस लेके। मैं तो फास्टैग नहीं बना क्या आपका? नहीं बना रहे ना, वो कह रहे टैग नहीं है हमारे पास। क्या बोल रहे हैं? टैग नहीं है टैग। तो फिर उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये जिम्मेदार है, हम थोड़ी है कि वो बेचारे यात्री जिम्मेदार है, बताइए। ये क्या बोल रहे हैं उसके लिए? वो कह रहे हैं टैग नहीं है उपलब्ध हमारे पास, 2 दिन बाद आएंगे टैग। अच्छा, तो हमें जाने दो, फिर नहीं बनाओगे तो? हाँ भाई, हम तो पैसे दे रहे हैं आपको 610 रुपये, रसीद कटवा रहे हैं, तो हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? ठीक है, कहाँ से कहाँ की गाड़ी पे चलते हो? आपका नाम क्या है? बीपी शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज।